हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ दीक्षा दिल्ली सेंटर यूट्यूब चैनल पर। एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट जो फॉर्म फिलअप चल रहा है, कल लास्ट डेट है, तो जो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं किए वो ज़रूर कर दीजिए। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 20 से 27 नवंबर को होने वाला है, तो उसका हम लोग आज चर्चा कर लेंगे। क्या स्कीम है, क्या डिटेल सिलेबस है, टोटल डिटेल में हम लोग सिलेबस कर लेंगे। और इसके ऊपर मैं तो ऑलरेडी PPCR का क्वेश्चंस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, कट ऑफ भी दे दिया था क्या है, सो दैट आप ये प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए देख लेते हैं आज शुरू करने पहले। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफाइड मिल जाए और बेल रिंग को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या है। तो देखिए, पहले तो ये स्कीम ऑफ एग्ज़ाम समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो देखिए, पहले जो 2011 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर वन या पार्ट वन अगर बोले तो ये सेम था। जनरल इंटेलिजेंस भी था, रीजनिंग भी था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस भी था, लेकिन वो 25 क्वेश्चंस के जगह 50-50 क्वेश्चंस था, उसका 2 घंटा अलग से था। और पेपर टू जो था वो आपका डिस्क्रिप्टिव था, वो भी 200 मार्क्स का था, और पेपर वन भी 200 मार्क्स का, तो 200-200, 400 आपका रिटन एग्ज़ाम था और 100 जो है इंटरव्यू का था, तो 500 में मेरिट बना था। तो उसका 500 का जो मेरिट है उसका मैं कट ऑफ दे चुका हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। और इस बार जो है पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है, इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, दोनों पेपर ही आपका जो है पार्ट वन पार्ट टू दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और क्या किया गया है, CGL की तरह पार्ट वन को 25 करके सब चार सेक्शन में 100 क्वेश्चंस है और पार्ट टू भी 100 क्वेश्चंस है, और दोनों का टाइम कॉम्पोजिट रखा है 2 घंटा 120 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए डिटेल में इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले तो देखिए पार्ट वन जो है, अच्छा इसमें और एक यह है 25.25 माने 1/4 जो है आपका नेगेटिव है, रॉन्ग आंसर पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों के लिए, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले देखिए रीजनिंग जो है वो नॉर्मल है आपका, सिलोलिज्म जो सब कुछ आता है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है, ठीक है। एनालॉजी, सिमिलरिटीज, नॉर्मल जो आपका SSC CGL का जो SSC का कोई भी जो रीजनिंग का होता है, आपका MTS उठा लीजिए या CHSL, CPO या आपका जो है CGL, तो सेम है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी देखिए पूरा CGL का सिलेबस ही है, जिसमें TIGO एडवांस एरिथमेटिक तो है, एडवांस मैथ भी है, ट्रिग्नोमेट्री से लेकर कंप्यूटर हाइट एंड डिस्टेंस सब कुछ है आपका, तो ट्राइंगल अलजेब्रा एरिथमेटिक पूरा, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेम है CGL की तरह। और इंग्लिश में देख लीजिए तो सेम है, इंग्लिश ग्रामर है, वोकेबुलरी है, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूजेस, मतलब आपका एरर करेक्शन आएगा, आपका सेंटेंस में इंप्रूवमेंट आ सकता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, पैसेज आएगा, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम आएगा दो दो करके, वन वर्ड idioms, तो ये सेम सिलेबस है, ठीक है। अच्छा जनरल अवेयरनेस का भी तो देखिए वो नॉर्मल जैसे CGL में ही रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका टॉपिक देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, तो देखिए जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैं हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लेलिस्ट से जाके सब देख सकते हैं। तो हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस है दे रहा हूँ धीरे धीरे, तो इसको फॉलो कीजिए। अच्छा अब पार्ट टू का देखिए, पार्ट वन तो सेम है, अब कोई भी इसका पार्ट वन है वो सेम है। और एक चीज़ मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि देखिए कैंडिडेट तो बहुत ही जो है लिमिटेड ही, क्योंकि सब तो नहीं दे पा रहे, तो जो दोजूर रियली लकी जो दे पा रहे हैं तो उनको मैं एक ही सजेशन करूँगा, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होगा, इंटरव्यू नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव है। और आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए जो पार्ट वन है, मतलब ये GK इंग्लिश और इसमें रीजनिंग और मैथ्स में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सो दैट आपको पेपर टू में थोड़ा राहत मिले, ठीक है। अब देख लेते पेपर टू में, पार्ट टू में क्या क्या है। तो पहले फिजिक्स देख लेते, तो फिजिक्स में देखिए पूरा जो है आपका सिलेबस, ये देखिए मैकेनिक्स है, तो उसमें लॉ ऑफ मोशन, रैशनल मोशन सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, अच्छा थर्मल फिजिक्स है आपका, टोटल देख लीजिए थर्मल फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन, पूरा सिलेबस है, थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, टोटल डिटेल्स बहुत है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि बोलने से बहुत टाइम लगेगा, आप थोड़ा देख लीजिए वीडियो पॉज करके। अच्छा ऑप्टिक्स है, मैं मेन मेन हेड बता दे रहा हूँ, मैकेनिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, रेडिएशन साउंड मेन टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अच्छा उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए,
कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिनका होगा वो देखिए, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो जो आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑफ रैम रोम पूरा, ठीक है, बाइनरी एडिशन तो पूरा इसमें दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी है, उसके बाद फाइल सिस्टम है, उसके बाद आईओ सिस्टम है, उसके बाद असेंबलर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी इंफॉर्मेशन GIS है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का हो गया। तो जब बच्चे कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए देंगे, ठीक है, तो इनके लिए ये सिलेबस है। थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आपको डिटेल पता चल जाएगा। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए तो ये सब सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके पहले आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब है पूरा। अच्छा, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में आप आ जाइए, तो टेलीकम्युनिकेशन में जो है ये सिंगल साइड बैंड है, मल्टीप्लेक्सिंग है, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल्स है, तो ये सब है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, डिटेल में बहुत सारा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियोस बना देने के लिए सब्जेक्ट वाइज में। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए, अच्छा से आप कर लीजिए। टेलीकम्युनिकेशन ये है, मैं और एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, उसके बाद आपका ये आ गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद आपका ये आ गया फिजिक्स का, ठीक है, तो फिजिक्स का बहुत सारा है, तो देख लीजिए। और मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, पहले तो पेपर वन का दे दूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का देखिए, पार्ट टू का तो देखिए फ़ायदा भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव था, तो इसके ऊपर देख लेता हूँ कुछ क्या बुक्स अवेलेबल। अच्छा है, मैं थोड़ा रिसर्च करके फिर आपको उसके ऊपर भी क्या बुक्स पढ़ना मैं बता दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, और ज़रूर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ भी पूछिए तो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे फेसबुक ग्रुप है दीक्षा सर्जरी सेंटर में, फेसबुक पेज है, फेसबुक मेरा अपना पेज है, अपना फेसबुक ID है, उसमें आप करके मुझे मेल से कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो कहीं भी मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो जब मुझे टाइम मिले मैं कर देता हूँ। थोड़ा दिन भर बिज़ी रहता हूँ, ज़्यादा सा बहुत काम रहता है, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपको संग संग रिप्लाई देने का, तो मैं ज़रूर दूँगा। तो अच्छा से पढ़ाई कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, तो इतना ही बोलना है, हार्डवर्क ऑलवेज रिवॉर्डेड, आपको हमेशा आप हार्डवर्क करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद भी मिलेगा। पढ़ाई कीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सामने CGL है, बहुत सारा एग्ज़ाम है दिस ईयर, वेरी क्रूशियल, ठीक है। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नया वीडियो से, टिल देन गुड बाय।